हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरेट लर्निंग में आपका स्वागत और मैं उमा देसाई फ्रॉम लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज। आज आपके सामने एक बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल सब्जेक्ट जो इग्नोर्ड सब्जेक्ट है और वो है अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग। सो आप एक चीज़ है ना, बहुत ही कॉमन है कि सभी लोग एडिक्वेटली प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग तो और सिक्योरिटीज़ करके नहीं रखते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो बहुत ही इग्नोर्ड और वो सब्जेक्ट वो फ्यूचर में आने वाला है ऐसा सोचा ही नहीं जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैसे सबको इनकरेज करेंगे, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करें। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रूशल है वो है डेमोग्राफिक चेंजिंग। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहा है एजिंग पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रहा है और उसके साथ साथ चेंजिंग एज ऑफ पॉपुलेशन। सो एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, नंबर वन। नंबर टू ये हो रहा है कि ये जो है वो पोटेंशियल चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है फॉर रिटायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर कॉस्ट है वो इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है। सो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, बिकॉज आज के डेट में इंक्रीज भी हो रहा है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो जैसे एज हो रहा है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू नो यू आर गोइंग टू इनकर द हेल्थ केयर कॉस्ट। सो सभी जानते हैं कि हेल्थ केयर कॉस्ट इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ केयर कॉस्ट ये बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आगे आने वाले रिटायरमेंट के लिए। ऑब्वियसली जितना एज होगा तभी हम लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, या हम लोग को डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा विजिट होगी, या हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। सो इस चीज़ों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी जो रिक्वायर्ड है, ये एक फैक्टर है जो रिटायरमेंट का के लिए बहुत ही हम लोगों को सोच समझ के प्लान कर लेना चाहिए। सोशल सिक्योरिटीज़ है जो इसमें बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ है, जैसे कि जो पहले था आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, वहाँ पे आपको एक श्योर पेंशन प्लान होता था या आपकी रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलता था। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये ऑलमोस्ट अभी एब्सोल्यूट होती जा रही है, वहाँ पे अभी कोई भी पेंशन या प्राइवेट कंपनीज़ में कोई भी सिक्योरिटीज़ जो है फॉर रिटायरमेंट ये नहीं है। सो ये खुद हम लोगों को क्रिएट करना है हमारे लिए। तो रिटायरमेंट फंड, ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, ये आज ही के डेट से जैसे ही हम लोग ये प्लान करके हम लोगों को ये क्रिएट करके रखना है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि एज जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन जो है जो ओल्ड एज है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो एज एक्सपेक्टेंसी जो बहुत साल पहले थी वो आज इंक्रीज होके 85 प्लस होती जा रही है और वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ गई है इसका मतलब है हम लोग बहुत ज़्यादा जीने वाले हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क हियर, डाइंग अर्ली इज ऑल्सो रिस्क एंड लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो रिस्क। सो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उतने साल का हम लोगों को लिविंग एक्सपेंसेस इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस है और वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए रहने वाले हैं। और नॉट ओनली जस्ट लिविंग एक्सपेंसेस बट इसके साथ साथ हमें मेडिकल एक्सपेंसेस जो है और जो डिपेंडेंसी एक्सपेंसेस है, बिकॉज हम लोग हमारा खुद का ख्याल नहीं रख सकते, सो हमारे लिए नेचुरली कोई केयर टेकर होगा या फैमिली के किसी मेंबर को हमारे लिए घर पे रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनका जो कॉस्ट ऑफ यू नो स्टेइंग एट होम वो भी इसमें इंक्लूड होता है। हर चीज़ के लिए इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर। सो इन्फ्लेशन फैक्टर ये
रिटायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है. आज मैं सोच रही हूँ कि 10 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस इतना होना चाहिए, बट इफ आई एम लिविंग टू लॉन्ग फॉर मोर 30 ईयर्स, दैट मीन्स मैंने जो कॉर्पस 10 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग का सोचा था वो 30 ईयर्स एक्सटेंड होके मुझे सब्सटैंशियली मुझे रिटायरमेंट मिलेगा. मेरी जो मेरी एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस, वो कवर कर पाएगा कि नहीं पाएगा. सो वो इन्फ्लेशन फैक्टर भी यहाँ पे होगा. सो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियली जो हम लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए एज अ रिटायर्ड पर्सन, हम लोग ऑलवेज हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए होना चाहिए फॉर वूमन, फॉर एवरी वन, बट वॉट डज दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स. बट यहाँ पे मैं रिएटरेट करना चाहती हूँ, बार बार बोलना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये रिटायर्ड पर्सन को भी होना चाहिए, बिकॉज वो ऐसी एज है कि वहाँ पे आप अपने बच्चों पे निर्भर रहते हैं या सोसाइटी पे निर्भर रहते हैं या गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं. तो ऐसा ना करते हुए अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो आप अपना खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट प्लान हो. सो आज मैं अपने व्यूवर्स को और सभी को ये कहना चाहती हूँ और एक निवेदन है और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीज़ों का प्लान कर लेते हो बट आप अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग ये ऐसे सोचते हो कि ये कभी आने वाला एपिसोड है ही नहीं, बट ये श्योर शॉट आने वाला इंसिडेंस है और उसके लिए आपको कम वॉट में आपको कुछ ना कुछ तो रिटायरमेंट प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए. सो आने वाले वीडियोस में हम लोग यहाँ पे आप कैसे डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो और आपके हर रिटायरमेंट ज़रूरतों के लिए ये रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे आपको हेल्प करेगा, कैसे आपको लिक्विडिटी देगा और कैसे आपकी सभी जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करेगा. सो आप स्टे इन टू, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.